नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उदयपुर और अमरावती में हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता के बाद इन जिहादियों का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला गया था, जिसमें पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी की मुख्य भूमिका सामने आई थी। लेकिन ताजा मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहां दावते इस्लामी के खिलाफ जमकर विरोध किया गया। गाजी मौलाना जरताफ रजा हसमती ने इस संगठन को एक आतंकवादी तंजीम बताया है। उन्होंने कहा कि इस संगठन को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है, और क्या राज खोले मौलाना ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मस्जिद के बाहर लगे पोस्टर वायरल हो रहे हैं। दरअसल जिले के काजी और मौलाना जरताब रजा खान ने मस्जिदों और मदरसों में दावत इस्लामी संगठन के खिलाफ पोस्टर लगवा दिए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि दावत इस्लामी लोगों का यहां आना सख्त मना है। दावत इस्लामी के खिलाफ जमकर विरोध करने पर सुर्खियों में आए पीलीभीत शहर के काजी मौलाना जरताफ रजा हस्तमी ने दावत इस्लामी को एक आतंकवादी तंजीम बताया है। उन्होंने कहा, दावत इस्लामी का नाम तो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद सामने आया है, लेकिन उनकी दरगाह हमेशा से ही दावत इस्लामी संगठन का विरोध करती आई है। साथ ही इनके कामों के बारे में प्रशासन को भी बताया, लेकिन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। शहर काजी जरताब रजा ने अपनी मस्जिद और मजारों पर बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं, जिस पर लिखा है, दावत इस्लामी एक पाकिस्तानी संगठन है, इससे जुड़े लोग हमारी मस्जिद मजारों में न आए। शहर काजी ने कहा, दावत इस्लामी का ऑपरेशन कराची पाकिस्तान से होता है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें दी जा रही शिक्षा भी सवालों के घेरे में है। शहर मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान परस्त तंजीम भारत में पैर फैला रही है। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस का कोई दफ्तर क्या पाकिस्तान में खुल सकता है। उनका कहना है कि पूरे जिले से चंदा लिया जा रहा है, ये कहां जा रहा है, किसे मिल रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने प्रशासन से सवाल किए। फिलहाल मस्जिद और मदरसों के बाहर लगे पोस्टर जमकर वायरल हो रहे हैं। दावत इस्लामी इंडियन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। दावत इस्लामी कई देशों में फैला है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इससे जुड़े हैं। दावत इस्लामी हिंद ने पाकिस्तान के संगठन से किसी भी तरह के संबंध को नकारा है, लेकिन इनके नकारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस ने इनकी कुंडली निकाल ली है। अब इन लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। We'll be right back।